कंडीशंस देख सकते हो भाई, दिल्ली की कंडीशन इस समय अच्छी नहीं है। यमुना का पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है और उसकी वजह से यार जो लोग उस तरफ रहते थे उनको यू नो शिफ्ट करना पड़ रहा है इधर की तरफ। बहुत ऊपर पानी आ गया है। जैसे यहाँ पे हम लोग आते भी थे राइड पे तो पूरा ग्रीनरी था और कुछ भी नहीं था, बट अभी फ़िलहाल पानी ही पानी दिख रहा है भाई। जितना मैं जिस तरफ भी नज़र घुमा रहा हूँ पानी ही पानी दिख रहा है। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या क्लाउडी सा मौसम हो रखा है और इसी कारण से भाई काफ़ी कुछ नहीं आ पा रहा है चैनल पे, कोई व्लॉग नहीं आ पा रहा है। पिछले 10 दिनों से भाई बारिश इतनी हो रही है दिल्ली में, इसी की वजह से आपके भाई को अपनी जो रोड ट्रिप है उसको पोस्टपोन करना पड़ा है। आप देख ही रहे होंगे न्यूज़ में कि भाई पहाड़ों में क्या सीन हो रहा है, बहुत उत्तराखंड एंड हिमाचल आर सफरिंग। और मेरी तरफ से भाई मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाला अपना थोड़ा सा जो गुस्सा है वो शांत कर ले और चीज़ें जो है नॉर्मलाइज हो जाएँ जल्दी ही। तो बात कुछ ऐसे है कि आज का जो ब्लॉग रहेगा एक एग्जॉस्ट कंपैरिजन ब्लॉग रहेगा। हमारी जो एग्जॉस्ट हंट चल रही है उसमें हमने आपको अभी तक गुड़सेवक दिखा दिया पहले नंबर पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड है, बेसी भी है, काफ़ी अच्छा साउंड है। दूसरे नंबर पे हमने आपको दिखाया AW102 जो कि काफ़ी अच्छी साउंड देता है। और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। एंड तीसरे नंबर पे हमने रिसेंटली चेकआउट किया था रेड रूस्टर का ब्लैक वर्जन जो कि 2023 मॉडल GT के लिए और इंटरसेप्टर के लिए आ रहा है। मैट ब्लैक फिनिश में काफ़ी अच्छा लग रहा था एग्जॉस्ट, बट पर्सनली बताऊँ तो मुझे उसकी साउंड इतनी अच्छी नहीं लगी। आज की बात कुछ ऐसी है कि आज हम टेस्ट करेंगे ऑफ ट्रेल्स का एग्जॉस्ट जो कि एक भाई ने रिसेंटली अपनी बाइक में लगवाया है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है उसका। मैं यूट्यूब पर भी चेकआउट कर रहा था तो काफ़ी लोगों ने उसके अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए हैं, तो देखेंगे भाई कैसा रहता है वो एग्जॉस्ट। बट जल्दी से हम काम को अपने स्टार्ट कर लेते हैं आज, क्योंकि भाई बारिश का मौसम फिर से हो गया है और जैसा कि आप देख रहे हो कि पूरा क्लाउडी है इस समय, कभी भी बारिश आ सकती है। तो अपने काम को जल्दी से निपटाते हैं, भाई की तरफ चलते हैं, भाई वेट कर रहे हैं हमारा। उस लोकेशन पर पहुंचते हैं जहां पे हमने आज का शूट प्लान आउट किया है। सुबह ये रहे प्रतीक भाई और उनकी रॉकर रेड, बहुत ही सुंदर कलर है बाइक का GT का एंड काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे तो पर्सनली बताऊँ तो। तो भाई आपने भी अपनी बाइक का कुछ नाम रख रखा है क्या? वैसे तो मैं इसको लैला बुलाता हूँ। हाँ, लैला मजनू। सबसे बड़ी बात है भाई ने काउल लगा रखा है पीछे, देखो यार कितना सुंदर लग रहा है। एक बार प्रतीक भाई से कहूँगा थोड़ा सा उठेंगे और मैं दिखा देता हूँ। बात करते हैं भाई आज की बाइक की। आज की बाइक में कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि प्रतीक भाई आपको बताएंगे। ये माइनस हेडलाइट है, हाफ मार्केट है, इस पर मैंने रेड स्मोक हाफ करवा रखा था। मतलब बाइक को मैच करने के हिसाब से भाई ने हाफ रेड कर रखा है, अच्छी अच्छी क्रिएटिविटी है भाई। और इसमें अंडर ग्लो है, अंडर ग्लो भी लगा रखा है भाई ने, वो थोड़ा सा मैं दिखाया था आपको। कैसे पता नहीं ठीक से दिख, इसका स्विच यहाँ पर रखा है मैंने। ओके, तो अगर आप देखोगे तो ये पूरा स्ट्रिप लाइट है, चेसी से बंधी हुई है। तो ये जो है भाई एक नई चीज़ देखने को मिली है, अंडर ग्लो। अभी तो दिन हो रहा है तो दिन में तो इतना अच्छा इफेक्ट नहीं दिखेगा, बट रात को मैं मानता हूँ भाई काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिखेगा इसका। मेन चीज़ आती है अब इस बाइक की जो कि अट्रैक्ट कर रही है, अभी मैं चला के भी आया हूँ उसको, वो है इसके एग्जॉस्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। जितने भी एग्जॉस्ट हमने देखे हैं आज तक वो लगभग बड़े होते हैं, बट ये जो है एग्जॉस्ट इसका जो साइज़ है थोड़ा सा कंपैरेटिवली छोटा है और लुक में बहुत ही अलग से लग रहे हैं। ये कितने के पड़े आपको ये? ये वैसे वेबसाइट पे तो 23,000 के हैं। ओके, अभी चल रहा था ऑफर तो 19,500 के पड़े मेरे को, मतलब 19,500 जो कि रेड रूस्टर का भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही पड़ते हैं। रेड रूस्टर भी उसी के अराउंड एग्जॉस्ट पड़ रहे हैं। ये पूरा एग्जॉस्ट हैंडमेड है फर्स्ट ऑफ ऑल। अच्छा, सेकंड ये SS304 स्टेनलेस स्टील ग्रेड का बना हुआ है। ओके, इसके एंड कैप्स और एल्यूमिनियम एंड कैप्स। ओके, मैंने एक चीज़ और देखी थी कि इसमें ब्लैक वाला वर्जन भी आता है जो जिसमें एंड कैप्स होते हैं, तो आपने वो क्यों नहीं लगवाया? ब्लैक क्योंकि मेरे को बाइक पे और मोड्स करने थे, उस हिसाब से सिल्वर एंड कैप्स बेटर लग रहे थे। तो मतलब आप अगर करवाना चाहो तो ब्लैक एंड कैप्स भी आते हैं इस एग्जॉस्ट में, अवेलेबल जो है मार्केट में वो करवा सकते हो।
कहाँ से ऑर्डर किया भाई आपने ये? मैंने ऑफ ट्रेल्स के इंस्टाग्राम पेज से ही किया था। एक हफ्ते में आ जाएंगे आपके पास, मतलब विद इन वन वीक यू विल गेट दी एग्जॉस्ट। अभी इसमें जो है भाई ब्लैक वाला वर्जन अवेलेबल नहीं है, तो मैं नहीं कह सकता कि आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मेरे भी अगर मुझे ज़्यादा पसंद आ जाते हैं एग्जॉस्ट तो मैं फाइनल यही करूँगा। तो देखते हैं जब बात करेंगे अगर ब्लैक वर्जन उसमें अवेलेबल होगा या नहीं होगा। सबसे बढ़िया बात जो भाई ने बताई इस एग्जॉस्ट के बारे में वो ये है कि भाई ये सारा हैंडमेड है। नॉर्मली जो भी एग्जॉस्ट हमने आज तक चेकआउट करे हैं वो सारे यू नो मशीन मेड है, तो एक अलग ही तरीके की फिनिश है इसमें। तो यार जैसे कि मैं देख सकता हूँ यार इसको, मतलब जिस तरीके से मैं टच कर रहा हूँ तो हीट हो रहा है ये। अभी हम बहुत ज़्यादा चला के आ गए हैं, उसके हिसाब से हीटिंग है इसमें, बट उतनी नहीं है कि भाई जैसे अगर मैं अपने आपको भी स्टॉक एग्जॉस्ट को भी चेक करके टच करके बेसिकली बता देता हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा गर्म है। अगेन दोनों बाइक ऑलमोस्ट अभी सिमिलर ही चली हैं, सिमिलर किलोमीटर से हम इसको रन करके आए हैं दोनों बाइक्स को, तो हीटिंग इशू नहीं है। प्लस जो लुक आ रही है ना इसमें पीछे से यार, बहुत अच्छी लुक आ रही है। आप कह नहीं सकते कि यार ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट है या फिर स्टॉक एग्जॉस्ट है, क्योंकि दोनों के पीछे से जो चीज़ें लग रही हैं ऑलमोस्ट सिमिलर है। अभी भाई ने डीबी किलर भी लगा रखा है इसमें, तो अभी इसको हटा के देखते हैं। एक्चुअली दिल्ली के फर्स्ट है। अच्छा दिल्ली के फर्स्ट है, वाह भाई वाह भाई, देखो क्या क्या देखने को मिल रहा है भाई। स्कॉट ट्रिपल आर, पता चल रहा है कि भाई पहली पहली चीज़ें अपने को ही मिल रही है सारी। तो दिल्ली के फर्स्ट एग्जॉस्ट हैं ये ऑफ ट्रेल्स वाले, एंड लुक वाकई में काफ़ी अच्छी आ रही है। बिल्ड क्वालिटी के मामले में चेकआउट करते हैं एक बारी, जो क्लैंप वगैरह लगे हुए हैं काफ़ी अच्छे हैं। मैं काफ़ी तेज़ी से हिला रहा हूँ बट कुछ भी नहीं हिल रहा है, और क्वालिटी जो है स्टील की बनी है तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। यूजली हाँ फर्स्ट टाइम जब आप इंस्टॉल करोगे तो जब ECU रीमैप होगा सब होगा तब थोड़ा सा स्मोक निकलता है, क्योंकि उसके अंदर का ग्लास वुल जलता है। अच्छा हाँ, और जो इन्होंने वुल भी यूज़ करा है वो भी एकदम मतलब ए ग्रेड का वुल है, बेस्ट इन द मार्केट। ये सबके लिए है, जब भी आप नया एग्जॉस्ट लगवाते हो तो आप लगाने के बाद इसको आइडियल पे 5 to 10 minutes छोड़ दो, ताकि आपका ECU ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट के साथ रीमैप हो जाए। ओके फिर उसके बेसिस पे ही आपकी परफॉर्मेंस बनेगी। अगर आपने उससे पहले थ्रॉटल दे दिया या बाइक खींच दी तो आपका एवरेज ड्रॉप इज़ लाइक 60% एवरेज ड्रॉप हो जाएगा। ओके सो भाई जानने वाली बात यह है कि कभी भी नया एग्जॉस्ट लगवाओ। देखो मैंने तो अभी लगवाया नहीं है तो मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं है सही बताऊँ तो। आप अपनी बाइक को ना थोड़ी देर चला छोड़ दो, जिससे कि सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाए। ECU नए एग्जॉस्ट को जो उसकी ट्यूनिंग है उसके साथ बैठ जाए प्रॉपर तरीके से। इससे क्या होगा, जैसे भाई ने अभी बताया कि भाई आपकी जो एवरेज है माइलेज है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और यू नो बाइक जब ECU के साथ आपका एग्जॉस्ट मैच कर जाता है तो एक अलग लेवल की सेटिस्फेक्शन हो जाती है बाइक को भी और ख़ुद को भी। एग्जॉस्ट नोट भी अच्छी आ जाती है, प्लस जो ट्यूनिंग है बाइक की वो बैठ जाती है। अब आते हैं इसकी एग्जॉस्ट नोट पे। सो गाइस पहली जो एग्जॉस्ट नोट है वो हम सुनेंगे DB किलर्स के साथ, क्योंकि भाई ने अभी DB किलर लगा रखे हैं। तो ठीक है भाई चेकआउट करते हैं। भाई DB किलर के साथ भी एग्जॉस्ट मतलब काफ़ी लाउड लगे मुझे, अलग लेवल की साउंड आ रही है भाई। सेटिस्फाइड हूँ भाई साउंड से, क्योंकि आप और एग्जॉस्ट से कंपेयर करोगे बहुत ज़्यादा साइलेंट मोड पे चलते हैं DB किलर के साथ। तो बाई चांस आप पहाड़ों पे जा रहे हो तो इसको कंट्रोल करके चलाओगे ना यार, तो नॉर्मल जो स्लो RPM है, एक बार मैं दोबारा से चेकअप कराता हूँ, बस स्लो RPM पे तो ये 3000 RPM पे साउंड थी इसकी, इतनी ज़्यादा लाउड नहीं है। बट अगर आप रेव करोगे ज़्यादा तो DB किलर के साथ भी काफ़ी ज़्यादा लाउड है भाई ये एग्जॉस्ट, और एग्जॉस्ट के कंपैरिजन में इवन गुड सेवअप को भी बीट कर रहा है ये। आराम से नट गिर गया हमारा, ये रहा, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये गर्म होंगे अभी। सो भाई DB किलर इसका एक तो बाहर आ गया है, दूसरा भी अभी निकाल लेते हैं, फिर आपको एग्जॉस्ट नोट ना चेक करवाते हैं। तो भाई हमने DB किलर फाइनली इस बाइक के हटा दिए हैं, और अब चेकआउट करते हैं कि भाई कैसी एग्जॉस्ट नोट बैठती है। ये जो है ना भाई अभी आइडियल नॉइज है इसकी, और अभी हमने कोई रेव नहीं कर रखा है। गो भाई, बहुत ज़्यादा लाउड है भाई, बहुत ज़्यादा ही लाउड है, और
कुछ बैकफायर से मारा था ना ये, पॉप्स एंड क्रैकल्स आते हैं इसमें भाई, पॉप्स एंड क्रैकल्स भी आ रहे हैं, मतलब रेड रूस्टर को पूरा कंपैरिजन दे रहा है, एग्जॉस्ट अलग लुक भी दे रहा है, प्लस साउंड के मामले में भाई बहुत ज़्यादा लाउड है, मेरे तो लिटरली कान में दर्द हो गया इस समय, सही बताओ। फाइनली भाई ऑफ ट्रेल वाली बाइक को राइड करने का मौका मिल गया है हमें, मस्त है भाई, साउंड तो मस्त है भाई। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो रेड रूस्टर की पुरानी वाली आवाज़ आती थी ना, वो इस ऑफ ट्रेल वाले एग्जॉस्ट में फ़िलहाल आ रही है, अच्छी साउंड है। वाह भाई वाह, बताना चाहूँगा कि भाई हम अभी चला रहे हैं विदाउट टीवी किलर, तो एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा लाउड है भाई, बहुत ज़्यादा लाउड है, और जो बेसी साउंड भी आनी चाहिए ना वो भी आ रही है, मतलब जितने भी एग्जॉस्ट हमने अभी टेस्ट करे हैं, जितने भी हमने चलाए हैं, उसमें यही कहूँगा कि सबका जो मिक्सचर है ना वो इस एग्जॉस्ट में मिल रहा है हमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, लाउडनेस भी है, बेसी साउंड भी है, और स्मूथनेस भी उतनी अच्छी आ रही है। प्रतीक भाई ने बाइक को भी अपना काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रखा है, 12,000 किलोमीटर जैसे कि मैं देख रहा था अभी, हाँ 12,550 किलोमीटर के राउंड ये बाइक चल चुकी है, पर ऐसा लगता नहीं है कि इतनी ये बाइक चली होगी, स्मूथनेस काफ़ी अच्छी है, वही है जीटी के साथ भाई, आप अपनी बाइक को जितना मेंटेन करके रखोगे ना उतना बढ़िया है, उतनी बाइक अच्छी चलेगी और उतनी ही परफॉर्मेंस देगी। ओ भैया पब्लिक रिएक्शंस तो भाई कैप्चर करता ही है ये वाला एग्जॉस्ट भाई, आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट की फीलिंग ही यही होती है, सारी पैसे ही इसी बात के होते हैं कि भाई पब्लिक रिएक्शंस काफ़ी अच्छी आ जाए। ये क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा, ऑफ रोडिंग वाले पैचेस पे भी यू नो काफ़ी टाइम से हम गए नहीं हैं, मन था यार जाने का, और चलेंगे भी आराम से, चलेंगे आराम से, आराम आराम से, आराम आराम से। है भाई बिल्कुल ओपन फ्लो, और मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला एग्जॉस्ट लगाने के बाद बाइक की पावर ना बहुत बढ़ गई है, एक्सप्रेशंस नहीं है भाई मेरे पास इस एग्जॉस्ट के लिए, भाई मज़ा आ गया चला के। ये मुझे अभी बता रहे थे कि जो मैंने एग्जॉस्ट लगवाया आफ्टर थर्ड सर्विस लगाया है, तो मैं भी यही प्रेफर कर रहा था कि भाई आपका जो इंजन प्रॉपर तरीके से बाइक का जो इंजन है वो सेट हो जाए उसके बाद ही अपना एग्जॉस्ट चेंज कराओ। नॉर्मली लोग ये करते हैं कि यार 1000 किलोमीटर के बाद या 1500 किलोमीटर के बाद एग्जॉस्ट को चेंज करवा देते हैं। हो एक्सीडेंट हो गया, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया, लोग देख के नहीं चलाते यार आजकल। तो 12,000 किलोमीटर के बाद ही भाई ने जो है एग्जॉस्ट चेंज करवाया है, एंड पर्सनली बताऊं तो बहुत अच्छा चॉइस है, बहुत अच्छी इन्होंने मतलब अपनी बाइक की केयर कर रखी है, और यही एक राइडर का फ़र्ज़ होता है कि अब अपनी राइड की ना अपनी बाइक की केयर अच्छी तरीके से करो। ऊपर से आपकी बाइक कितनी भी चमक रही हो वो मैटर नहीं करता, आपकी बाइक का इंजन कितना प्यारा है, कितना स्मूथ है, वो ज़्यादा मैटर करता है। ओहो सुपर मीटियोर, वाह भाई वाह, अच्छा लग रहा है भाई, रेड कलर है ये भी, और रेड कलर की अपनी जीटी है, भाई ने काफ़ी ज़्यादा यू नो एक्सेसरीज लगवा रखी है बाइक में, और लाउड भी है काफ़ी ज़्यादा यार ये सुपर मीटियोर। गाइस कुछ सुनाई दे रहा है आपको? कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा भाई, दोनों बाइकों की साउंड जो है ना काफ़ी ज़्यादा लाउड है यार, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। क्रैकल्स यू नो पॉप्स एंड क्रैकल्स आ रहे हैं इस एग्जॉस्ट में, और अभी जैसा मैं मानता हूँ कि थोड़ा और सेटल डाउन हो जाएगा तो जो पॉप्स एंड क्रैकल्स आएंगे वो और ज़्यादा आएंगे, तो बैकफायर भी मार रहा है भाई, सब कुछ कर रहा है एग्जॉस्ट, एक नंबर लगा भाई मुझे। सो भाई सिटी में एंटर कर रहे हैं तो डी वी किलर लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये हम आपको दिखा रहे हैं कि भाई डी वी किलर कैसे लगता है भाई। लग गया लग गया लग गया लग गया, बस पेज को उसके होल पे बिठाने का खेल है सारा, जिसमें कभी कभार काफ़ी टाइम भी लग जाता है, कभी कभार जल्दी भी हो जाता है, बट डीवी किलर सारे इम्पोर्टेंट जो कि ऑफ ट्रेल्स वाले एग्जॉस्ट के साथ हमें मिल रहे हैं, और हम फिट भी कर रहे हैं उसको। मैं भी अपनी लाइफ में पहली बार डीवी किलर किसी बाइक में फ़िट कर रहा हूँ, चलो भाई सही है भाई, ये एक्सपीरियंस भी ले ही लिया हमने।
वही आज का व्लॉग जो है एंड करेंगे पकौड़ों के साथ और यमुना नदी की हालत के साथ। आप देख रहे हो भाई कितनी बुरी हालत हो रखी है। प्रेजेंटली पानी काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ गया और लोगों को काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है। ठीक है भाई, नेचर के साथ खेलोगे तो यू नो ऐसा ही होगा और देखते हैं आगे क्या क्या देखने को मिलता है। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि अभी मुझसे प्रतीक पूछ रहा था कि भाई जेन्युइन रिव्यू देना कि आपको बाइक अच्छी लगी चलाने में और एग्जॉस्ट कैसा लगा। तो जेन्युइन रिव्यू तो यही है कि यार एक नंबर एग्जॉस्ट है, लो आरपीएम पे भी बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा है और लाउड भी काफ़ी ज़्यादा है। भाई सुन लो, तुम भी सुन लो, चिकन की व्यस्त है ये। तो एग्जॉस्ट बहुत अच्छा है, अगर आप रेड रूस्टर से इस रेंज में जो आता है, रेड रूस्टर आता है वो भी लगभग 20,000 के आसपास आपको पड़ेगा, तो उस रेंज में अगर हम कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट है। जो प्रेजेंट रेड रूस्टर आया है उससे तो भाई मान के चलो एक नंबर है। जो पुराना रेड रूस्टर है उसके कंपेरिजन में दोनों एग्जॉस्ट सिमिलर से लगे मुझे। डीबी किलर के साथ भी हमने चला के देख ली और विदाउट डीबी किलर भी हमने चला के देख ली। थोड़ी सी आपका वॉच कम आ रही होगी क्योंकि थोड़ा सा ट्रैफिक है इस समय, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। दोनों ही केस में एग्जॉस्ट ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया। पॉइंट ये है कि एग्जॉस्ट काफ़ी ज़्यादा लाइट है, प्लस एग्जॉस्ट की नोट सुन के मजा आ गया और हमने जो सुपर मेटियोर देखी भाई, भाई। वो तो अलग लेवल की थी भाई। उसमें मेरे ख्याल से घुड़सेवक लगे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा लाउड थी, अच्छा लग रहा था चलते हुए, बाकी बहुत अच्छी फील दे रहा था वो एग्जॉस्ट। जल्दी मिलेंगे भाई नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ। ट्रैवल सीरीज आने वाली है, उसको एंजॉय करना। जितना सपोर्ट आप इन व्लॉग्स पे दे रहे हो होपफुली उतना सपोर्ट उस वाली ट्रैवल सीरीज पे मिलेगा मुझे। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में कुछ नए एडवेंचर के साथ। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड लव यू ऑल।